हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर, और इसके लिए यहां पर हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर वो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं तो क्या वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं, और अगर वो दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं तो क्या वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या नहीं, और अगर वो दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं तो क्या वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या नहीं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स और राइट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था कि एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, और राइट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स को हम राइट एंगल्स कहते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है नो। अब हम चेक करते हैं कि इसका आंसर नो क्यों है। देखिए यहाँ पर हम रफ वर्क में एग्जाम्पल के थ्रू इस पार्ट को सोल्व करेंगे कि अगर हमें दो एक्यूट एंगल लेने हैं, यानी कि दो ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे हैं, तो यहाँ पर हम दो एक्यूट एंगल्स लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने पहला एक्यूट एंगल लिया 60 डिग्री और दूसरा एक्यूट एंगल लिया 70 डिग्री। देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब हम 60 को 70 के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 130, यानी कि जब हमने 60 डिग्री को और 70 डिग्री को ऐड किया जो दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं तो इनका सम आया 130 डिग्री के इक्वल। लेकिन हमें तो ये चेक करना है कि क्या दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं या नहीं, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी सप्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 130 डिग्री है, यानी 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर यह आंसर आया था नो। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताना है कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं या नहीं, और ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे, तो इसका भी आंसर आएगा नो, यानी कि दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। अब हम रफ वर्क में चेक करते हैं कि ये आंसर नो क्यों आया है। अब देखिए हम दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल और 180 डिग्री से छोटे एंगल। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि पहला एंगल हमने लिया 100 डिग्री और दूसरा एंगल हमने लिया 120 डिग्री। अब देखिए ये दोनों ही एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब हम 100 डिग्री और 120 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 220 डिग्री। अब हम देख सकते हैं इन दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते क्योंकि उनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या दो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, तो दो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहां पर हम आंसर में लिखेंगे यस। अब हम रफ वर्क में चेक करते हैं कि ये आंसर यस क्यों है। देखिए यहाँ पर हमें दो राइट एंगल लेने हैं, यानी कि दोनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, तो पहला एंगल भी 90 डिग्री हुआ और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हुआ, ये दोनों ही राइट एंगल्स हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। जब आप 90 डिग्री को 90 डिग्री के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि दो राइट एंगल्स का सम, यानी कि दो 90 डिग्री के एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए दो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं क्योंकि उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।